हेलो स्टूडेंट्स आज हम हार्डवे का जो एग्जाम होता है हरियाणा हरियाणा गवर्नमेंट गवर्नमेंट का का की तरफ से होता होता है है जो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम आपका इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है मतलब क्या आपके एलिजिबिलिटी है इसकी इसमें स्टूडेंट प्लस टू पास होना चाहिए और उसके पास एक वन ईयर कंप्यूटर का डिप्लोमा ना होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो गे. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जब भी आपकी एग्जाम की नोटिफिकेशन होगी जब भी आपके फॉर्म ये इसके निकलेंगे हार्टर्न डाटा एंट्री ऑपरेटर के आपको मतलब आपको क्या है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा तो आज हम हार्टन के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है आज हम पहले वो करेंगे सॉल्व जो आपका जो एग्जाम का क्या पैटर्न होता है इसमें आपके थर्टी मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए आपको फिफ्टीन मिनट का टाइम मिलता है उसमें आपने थर्टी क्वेश्चंस करने होते हैं या टेन भी आते हैं इसमें जरूरी नहीं है कि हमने बहुत लेने है, तो हमारा ज्यादा स्कोर होएगा नहीं ऐसा कुछ नहीं आई मीन I mean, इसमें क्या है अगर आप टेन ना आपकी क्या है उसके बाद आपकी क्या है मतलब कंप्यूटर पे इंग्लिश की टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए अगर आपके मार्क्स टेन है उसके बाद आप टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल हो आपका टाइपिंग टेक्सट होएगा टेस्ट होएगा मार्क्स का sorry, का का सॉरी मिनट्स मिनट्स आपका टाइपिंग टेस्ट होएगा उसमें आपको एक शीट दे दी जाएगी जिसके ऊपर कंटेंट लिखा होएगा इंग्लिश के अंदर आपको उसको देख के एज इट इज उनके कंप्यूटर में टाइप करना होता है तो आपको फिर उसके बाद आपको फाइव मिनट कम्प्लीट हो गए तो आपके जितने मतलब आपकी एक मिनट के हिसाब से कितने वर्ड बने उसके अकोर्डिंग आपके जो शीट्स है उसके ऊपर लिख दिया जाता है और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट क्या है आपके सबमिट कर दिए जाते हैं तो इस एग्जाम के लिए फोर्टी प्लस आपकी टाइपिंग होनी चाहिए तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वट इज मैक्रो जो उसके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं टू के अंदर ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे

और जो इसकी रेंज है वो क्या है ए टू एक्स एफ डी ये इसकी रेंज है नेम होते हैं हमारे ए बी सी डी से लेके एक्स एफ डी जो हमारा लास्ट ये कॉलम का नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्ड ऑन ए वेब पेज विच ओपन ओपन्स अदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक ऑन इट इट इज नेक्स्ट है लास्ट एक्शन वी यूज F4 की यूज की जाती है द मिनिमम Zooming परसेंट इन MS Word डॉक्यूमेंट इज 10% मिनिमम Zoom परसेंट होती है द मैक्सिमम Zoom परसेंट ऑफ इन MS Word डॉक्यूमेंट इज 500% नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस डी नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट की इज यूज्ड टू राइट अलाइन अ पैराग्राफ

इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज फास्टेस्ट from ये सारे ही आपके ऑप्शन हैं आपने एग्जाम जब आप ऑनलाइन देते हो जब भी आपके पास कोई ऑल ऑफ दीज वाला या बोथ वाला क्वेश्चन आता है आपने ऑल ऑफ दीज या बोथ वाली ऑप्शन को ही टिक करना है तो यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ दीज आएगा आंसर इसका नेक्स्ट है वट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग ए एल यू यूज किया जाता है जिसकी फुल फॉर्म है आर्थमैटिक लॉजिक यूनिट फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था अबैकस था एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक शॉर्टकट की टू डिक्लेयर द पेन टूल इन पावर पॉइंट कंट्रोल प्लस पी इन विच मेन्यू ऑप्शन हेडर एंड फुटर इज अवेलेबल इंसर्ट टैब के अंदर हमारे ऑप्शंस होते हैं ये दोनों व्हेन मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड एट वन प्लेस इज कॉल्ड लैन विच ऑफ फॉलोइंग फॉलो इज अ स्मॉल सिंगल साइड नेटवर्क लैन जो हमारा क्या है स्मॉल सिंगल साइड नेटवर्क है मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क इज नेटवर्क सर्वर द मैग्नीफायर बटन इज अवेलेबल ऑन द प्रिंट प्रिव्यू टूल बार व्हेन कंडक्टिंग एंड इंटरनेट सर्च ऑन द वेब ईच रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर सर्च इज कॉल्ड हिट ए ग्रुप ऑफ लेटर्स नंबर्स एंड सिंबल्स विद द कॉमन टाइपफेस इसका आंसर है इन द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम क्या कहते हैं सेल वैल्यू अगर इसके अंदर हमें इस तरीके से दी होगी तो वो क्या रिटर्न करेगा कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा नल आएगा इसका आंसर व्हाट इस सिंबल का क्या क्या ऑपरेटर मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू सी सी की फुल फॉर्म कार्बन कॉपी मैक्रो आर यूज टू रिकॉर्ड वन किलो बाइट इज इक्वल टू वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाइट ट्रांसफर फ्रॉम होस्ट कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर डाउनलोडिंग बाय अदर यूजर्स मेल बॉक्स एल केस लोअर केस विल रिटर्न इसका क्या आंसर आएगा लोअर केस राइट उसके बाद आपको राइट और लेफ्ट ये दिया होगा उस रिटर्न क्या करेगा लेफ्ट रिटर्न करेगा ओके okay, स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन थे कुछ क्वेश्चन थे और भी वीडियोज़ आएंगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताजो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी अच्छे से एग्जाम की तैयारी हो जाए जब भी आपकी एग्जाम आएगा तो आप उसको क्रैक कर सको ओके स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग